हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे है कि 18 मीटर्स का स्पैन है, अभी आपको स्टैट की स्क्रीन क्लियर हो रही होगी, एंड 10 मीटर्स का कैरेज वे टोटल है, टोटल वेट कैरेज वे की 10 है स्ट्रेट पोर्शंस में। अब हमें इसमें कर्व इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए मैं आपको कल टेक्निक्स बता रहा था, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम आज एक नई चीज मतलब एक रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ी होती है अपने बैचलर्स में। तो अभी सो यहाँ पे मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको कहा था मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी कर्व्ड स्पैन्स होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड वाले सपोर्ट्स पे होते हैं, टिल्टेड वाले सपोर्ट्स पे होते हैं, इनकेस वो 90 डिग्रीज पे नहीं होते। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, किसी भी कर्व के पहले ट्रांजिशन करवाता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उस दिन भी, और उसके पहले ये वाले जो पोर्शन है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 90 डिग्रीज पे होते हैं सपोर्ट्स, और ये वाले इंडिविजुअल स्पैन्स एज स्ट्रेट स्पैन्स डिजाइन होते हैं। बट क्योंकि अभी हमारा केस कुछ और है तो मैं इसको इरेज करके, तो यहाँ पे आप देखो अब हमने बेसिकली करना क्या है, मैंने कुछ हाईवे के भी कोड्स और बेसिक चीजें अपने हाईवे इंजीनियर से डिस्कस कर के ये कंफर्म की कि जनरली जो भी आपके कर्व्स होते हैं, अगर मैं इसको ब्लैक वाले से हाईलाइट करता हूँ, जो भी आपके कर्व्स होते हैं वो होते इसलिए हैं क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि नॉर्मली जब एक गाड़ी ट्रेवल्स करती है तो कर्व के टाइम पे उसके जो रियर व्हील्स होते हैं वो स्ट्रेट वाला आगे फ्रंट व्हील्स का पाथ फॉलो नहीं कर पाते हैं, ओनली एट कर्व लोकेशंस। तो उस केस में देर आर चांसेस कि वो यहाँ आउटर साइड पे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए इसको कहते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ये दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी टोटल एक्स्ट्रा विड्थ के लिए। और जो केस मैंने आपको भी बताया कि रियर व्हील्स फ्रंट व्हील्स का पाथ फॉलो नहीं करते हैं केस ऑफ द कर्व, एंड देयर आर चांसेस कि इस जोन में वो बाहर की तरफ अपने आप कर्व लेते टाइम शिफ्ट हो जाए, तो नॉर्मली इनर साइड ऑफ द कर्व पे, जैसे यहाँ पे दोनों साइड दिखा रखे हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी ही होती है, स्पेशली इन हिल रोड्स जहाँ पे यू टर्न्स काफी ज्यादा होते हैं। ऑल्दो वो स्ट्रक्चर पे नहीं होते हैं, वो यू टर्न स्ट्रक्चर पे नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी जो प्रोफाइल रोड की कट रही होती है उसी में वो बड़े बड़े यू टर्न होते हैं। और आप देखोगे जैसे इस साइड भी हिल है और यहाँ पे भी कुछ वैलियां और इस साइड भी हिल है, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जो मैं अभी थोड़ा हैच कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन पे उन्होंने नॉर्मल से ज्यादा विड्थ दे दी होती है। तो ये तो पर्पस है आपके मैकेनिकल वाइडनिंग को रोकने का, बट इन सारी चीजों से अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली हाईवे का पार्ट है। ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा था। तो अब आप देखोगे ये जो लेफ्ट साइड में ट्रांजिशन कर्व आपको दिख रहा है और राइट साइड में सर्कुलर कर्व दिख रहा है, नॉर्मली मैंने हाईवे वाले अपने इंजीनियर से डिस्कस किया था, उसने मुझे यही बताया कि ट्रांजिशन कर्व से हम ग्रेजुअली जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी होती है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इनिशियली मैं भी यही सोचता था कि एक सेकेंड, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन के साथ आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, यहां से वो ग्रेजुअली अगर मान लो 0.9 मीटर्स की हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो, तो वो ट्रांजिशन के स्टार्ट पॉइंट से, इसको मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करेगा और जब उसका सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा ही विल एंश्योर कि 0.9 यहाँ पे आ चुका है, उसके सेम ऐसे ही चलेगा, वो इसको पूरा यूनिफॉर्म भी 0.9 रख सकता है, ये भी 0.9, ये भी 0.9 सारा हो सकता है टिल दिस पॉइंट जहां पे सर्कुलर कर्व खत्म हो रहा है, और फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। दिस इज द केस जब वन साइड वाइडनिंग हो रही है, और नॉर्मली ये चीज की जाती है आपके सुपर स्ट्रक्चर्स में जो कि मतलब एलिवेटेड होते हैं, ग्राउंड पे नहीं होते हैं, या जो ब्रिजेस हम जिनको कहते हैं, फ्लाईओवर्स में या इंटरचेंजेस में, आपने क्लोवर लीफ इंटरचेंज सुना होगा, ऐसे करके होता है। तो उस केस में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 75 मीटर्स का मिनिमम कर्व रेडियस
IRC कहते हैं, बट इस केस में हो सकता है कर्व 75 से भी थोड़ा कम हो, बट उस जगह उस टाइम पे यहाँ पे सफिशियंट साइन पोस्ट लगा दिए जाते हैं और स्पीड 30 और 30 40 के बीच में वेरी कर दी जाती है, ताकि बहुत ही स्मूथली विदाउट एनी एक्सीडेंट्स आपके जो भी व्हीकल्स हैं वो ट्रेवर्स कर सकें स्पार्क को। बट वो तब किया जाता है जब आपके पास सफिशियंट स्पेस नहीं है। ऑल दो मुझे हाईवे इंजीनियर ने यही बताया कि 75 मीटर्स ही मिनिमम एज पर IRC चलता है। अगर आपके पास स्पेस लिमिटेशंस है, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, तो किसी स्पेशल केस में आप 75 से कम कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको इंश्योर करना है कि स्पीड लिमिट्स काफी कम रहे, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कम रहे व्हीकल्स पे और कोई टॉपलिंग या कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो जो हम चाहते ना हो। तो ये तो मैंने आपको बेसिकली ये चीज बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन से आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, और सर्कुलर कर्व जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स दोनों सर्कुलर कर्व्स के हैं, तो वन साइडेड वाइडनिंग नॉर्मली की जाती है हमारे जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाउएवर आप 50-50 भी कर सकते हो, कि इस साइड भी कर सकते हो 450 मिनिमम और इस साइड भी 450 मिनिमम कर सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, किस तरह का कर्व है, कितना एलिवेटेड कर्व है, क्या रेडियस है। और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले दिन एक ड्राइंग दिखाई थी जहाँ पे ऑलरेडी ऑफसेट्स बने हुए थे, और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये सारी चीज एक फाइनलाइज्ड काम के बाद आती है जो हाईवे वाले कर चुके होते हैं, और हम उसी चीज को स्टैड में मॉडल करते हैं। बट जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ द सेम, ताकि कल को आप इंटरव्यूज दोगे तो आपको अगर ये चीज में वो उलझ जाए तो आप इस चीज से उसे टैकल कर सकते हो, इसलिए वो बिल्कुल चीज मैंने डिस्कस की थी। तो आज फाइनली हमने जो मॉडल किया है हमारे स्टैट में, जस्ट अ सेकेंड, हमने जो स्टैट में आज मॉडल किया हुआ है वो बेसिकली, भी आपको मैं वो इमेज शेयर करता हूँ वापस से स्टार्ट वाली। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स, ये सर्कुलर कर्व का स्टार्ट है। इससे पहले ट्रांजिशन कुछ हो गई होगी। सो वी विल अज्यूम कि हमारी 900 mm का जो कर्व होगा वो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो चुकी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर्व इंट्रोड्यूस करेंगे और सिमिलरली इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे उसको डिडक्ट करेंगे। तो अब वो कैसे करेंगे वो हम अभी करेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 900 स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ जाएगा, टोटल 10 मीटर्स की कैरेज विड्थ थी। अब एक मैं यहाँ पे नोड्स या ये वाला जो बीम है इसको एक्सटेंड करूंगा। अब आप इस मॉडलिंग के टाइम पे बहुत सारे फीचर्स ऐड के नए नए जो आपने शायद पहले नहीं यूज किए होंगे वो देखोगे, कि ये वाले दोनों फीचर्स जो हैं इनको, इन वाले बीम्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक ऐसे मूव कर रही है और ये सुपर एलिवेटेड है। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कर्व जो होनी होती है एज पर हाईवे, वो सारी चीजें इसमें हैं। बस हमने अपने मॉडल में कर्व मॉडल इंट्रोड्यूस करना है और एक्स्ट्रा वाइडेंड मॉडल इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ ज्योमेट्री से स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, और लेट्स से थ्रू अ डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसको अगर पॉइंट नोट 0.9 करता हूँ तो देखते हैं किस डायरेक्शन में ये चीज आती है। अब ये यहाँ पे पूछता है कि स्टार्ट नोड है कि एंड नोड है, तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है कि स्टार्ट वाला नोड बीम का है कि एंड नोड है। वो कैसे पता चलेगा, आप इसको जस्ट अपना कर्सर यहाँ लेके जाइए, अगर वो ग्रीन वाला पॉइंट ऊपर की साइड है तो वो स्टार्ट नोड होता है। ग्रीन इज ऑलवेज स्टार्ट नोड इन ऑल बीम एलिमेंट्स इन स्टैट, और ब्लू इज ऑलवेज द एंड मोस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ द बीम। ठीक ओके है, तो अब मुझे स्टार्ट नोड को ऊपर शिफ्ट करना है थ्रू अ डिस्टेंस 0.9 करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आप देखोगे ये वाले बीम्स आपके ऊपर एक्सटेंड हो चुके हैं, ये दिख रहा है आप, इज इट क्लियर। यस सर सो सी ये वाले जो एक्सटेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे, ये 900 यहाँ से है क्योंकि हमने उतना ही ऑफसेट दिया। अब स्टैट की एक इनबिल्ट कमांड है कर्व बीम मॉडल करने की, उसको हम
75 का कर्व अज्यूम करके, क्योंकि आई वॉन्ट की क्रिटिकल से क्रिटिकल जो कर्व हमारे पास है उसको इंट्रोड्यूस करके देखते हैं, एंड देन वी विल फिगर आउट जब हम एनालिसिस करेंगे कि आउटर गर्डर्स में क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो 75 का कर्व इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो वो कैसे किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक आधी कमांड होगी एड बीम्स के अंदर, जैसे एड बीम्स है यहाँ पे, एड कर्व बीम्स है, ओके, इस पे टैप करेंगे और इन नोड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 75 है, ओके, और गामा एंगल से कर्व की डायरेक्शन डिफाइन होती है। तो अगर मैं इसको -90 डिग्री डालूंगा तो मेरा जो कर्व आएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। लेट्स से -90 एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कर्व ऐसे एक इंट्रोड्यूस होगा। ये चीज क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैंने बिल्कुल फिगर आउट इसलिए करवाई क्योंकि अगर तो आपके पास सर्कुलर तक उसने एक्स्ट्रा वाइडनिंग करके ले आया है तो आप बहुत ही सेफ जोन में हो। आप 0.9 एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में मिल गया है, और 0.9 जब स्टार्टिंग में आपको मिल गया है उसके बाद जो भी ऑफसेट्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इस बीम से बनते जाएंगे। तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। कल जैसे मैं आपको कह रहा था कि सर्कल के सेगमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज यूज करके हम ऑफसेट्स निकाल सकते हैं, बट ऑटोकैड में और यहाँ पे वो कर्व मॉडल करके ही सारी चीजें आती हैं। वो फिर बस डायमेंशन मेजर करते हैं और ऑफसेट्स अपने आप उनके पास आ जाते हैं। तो अब जो प्रोसेस हमने इन एज वाले बीम्स के लिए किया, इसको स्ट्रेच किया इसलिए किया ताकि कर्व यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाए। अब वही प्रोसेस हम जो इनर वाले बीम्स हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें वहां रिलेज मॉडल करना है, राइट, तो ये भी हम स्ट्रेच करेंगे। और क्योंकि स्टार्ट पॉइंट इस केस में भी फर्स्ट वाला ही होगा ये वाला, तो आई एम श्योर कि जब हम स्ट्रेच करेंगे कोई ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस किया था। अब यहाँ पे स्ट्रेच टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर करेंगे, और एग्जिस्टिंग मेंबर हमारे इस केस में ये जो कर्व बीम ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो है। तो लेट्स से इसको मैं टैप करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ किस बीम को एग्जिस्टिंग मानूंगा, तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये 5007 बीम नंबर हाईलाइट हो गया और आप देखोगे आपका कर्व इंट्रोड्यूस हो गया। सही बिल्कुल चीज है ना। सर। तो ठीक है, अभी जैसे मैं इसको, अभी हमने ये कर्व बना दिया, मैं आपको अभी ग्रुप्स वाली बात बता रहा था। जैसे हमने ग्रुप्स बनाए थे, अब उससे बहुत ही क्लियरली एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्ट एस जी, इससे जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, तो इट इज लाइक ऑल्ट प्लस एस प्लस जी। अब आप देखो G1 ये है, G3 ये है, ये सारे ग्रुप्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, और डिस्टेंसेस मैं मेजर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग में ही लेक्चर में, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ वनज। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मेरा भी अब हाईवे वाले कोर्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं होता है, मैं स्ट्रक्चर्स में रिलेट रहता हूँ ज्यादा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट था कि क्या 900 सेंटर पे मैक्सिमम आना चाहिए। आपको भी क्या डिस्प्ले हो रहा है, व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है ना, पूरा ठीक है, तो मुझे भी ये डाउट था कि क्या 900 जो चीज है वो सेंटर में आनी चाहिए मैक्सिमम और उसके बाद खत्म होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए। तो मैंने अपने हाईवे वाले पार्टनर से पूछा, उसने मुझे बताया कि ट्रांजिशन कर्व से ही ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे 900 इंच हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप यूनिफॉर्म भी रख सकते हो, या बढ़ा हुआ अगर ऑफसेट कर्व की प्रोफाइल की वजह से आ रहा है तो वो भी रख सकते हो, 900 इज मिनिमम। तो सिमिलरली ये अभी अगर आप स्टैट देखोगे, स्टैट वाला भी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो आप देखो यहाँ पे तो 900 है बट यहाँ पे कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो वो ऑफसेट्स की जो हम बात कर रहे थे उस दिन, हमको कैड में भी वो ऐसे ही बनते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसे कर्व डालना है, फिर वो तो बस मेजर करते हैं ना डिस्टेंसेस को, तो फिर बस ये ग्रेजुअली इंक्रीज करके यहाँ पे ये चीज ऐसे कम हो जाती है।
अब आप ये चीज नोट करना, ये तो मैंने इंटेंशनली 75 मीटर्स का कर्व लिया ताकि हम एक क्रिटिकल सा स्ट्रक्चर एनालाइज करें, हालांकि सारी चीजें बेसिक जो स्ट्रक्चर में होती है वही यूज होगी। मैं क्या बताना चाह रहा था, यही चीज कि ये जो हमारी विड्थ, सॉरी टोटल कैंटिलीवर का पोर्शन जो पहले 2 मीटर था वो अब 2.9 हो गया इस जोन में, और मैक्सिमम 3.4 हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, अगर मैं ये कोई रियल मॉडल होता या मतलब कोई लाइव प्रोजेक्ट होता तो जो हमने इंटरमीडिएट क्रॉस बीम बस यहीं तक अभी मॉडल किया है, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको, इनर क्रॉस बीम यहीं तक मॉडल किया ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कैंटिलीवर काफी ज्यादा हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, तो देर आर चांसेस, या मैं खुद इसको सजेस्ट करता कि मैं इसको आगे तक ही ले जाता बिल्कुल एंड तक, ताकि वो एक्सटेंडेड कैंटिलीवर को थोड़ा सा सपोर्ट सा मिल जाए और अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन करता। बट ये तो मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूँ कि काम करते टाइम, एनालिसिस करते टाइम भी आपको काफी थॉट्स आते हैं कि हाउ कैन यू बेटर कोरिलेट द स्ट्रक्चर, आप कैसे उसके साथ जो भी मतलब बेसिक चीजें हैं उनसे कैसे आप थोड़ी सी छेड़खानी करके स्ट्रक्चर का बिहेवियर थोड़ा और बेटर कर सकते हो। ओके तो ठीक है, अब हमने ये वाला कर्व तो मॉडल कर दिया, और हमें ये भी चीज पता है कि आउटर गर्डर्स जो कि अब इस साइड तो कर्व मॉडल हो गया है, सेम हमने इस साइड भी करना है। इस चीज को हम यहाँ कैसे ला सकते हैं, अब ये एक थोड़ा सा टास्क हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना, मतलब व्हाट वी शुड डू इज, पहले तो आउटर गर्डर जो है G3 उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ऑल्ट एस जी G3 हाईलाइट कर लेते हैं, एंड क्योंकि हम वन साइडेड ही वाइडिंग कर रहे हैं तो इट इज नेचुरल की एक साइड अगर कर्व की प्रोफाइल हमें मेंटेन रखनी है, ओनली इफ वी वांट कि कर्व की जो प्रोफाइल है वो मेंटेन रहे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ डिटोरेशन होगी कर्व की, और यहाँ पे कुछ मिनिमम आएगा, और यहाँ पे फिर वापिस से जो एक्चुअल में 2 मीटर्स था या जो एक्चुअल में वैल्यूज थी वो होंगी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ओवरऑल ये अब 10 से ज्यादा होनी चाहिए और 10 से ज्यादा होगी भी, तो क्योंकि आपकी एक साइड तो बढ़ गई है विड्थ, ये यहाँ से यहाँ तक ही 9.44 है, अब ये तो मैंने बहुत स्टीप सा बना दिया है, तो हो सकता है वो 10 के आसपास ही हो, बट एट द एंड वो 10.9 जो हमें एटलीस्ट चाहिए थी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वो मिली रही है, एट एवरी पॉइंट हमें 10.9 मिलेगी। तो ठीक है, वो हम देखते हैं अभी इसको कैसे मॉडल किया जाए। ओके, सो नाउ दिस इज 2 मीटर्स, अब हमें यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगा के जो हमने 75 डिग्रीज का एक कर्व इंट्रोड्यूस किया था उसको कोरिलेट करके हम यहाँ पे भी एक कर्व बनाते हैं। पहले तो ज्योमेट्री से जाके अब यहाँ पे हम कुछ एक्सटेंड नहीं करेंगे बीम में, ये चीज क्लियर है आपको, क्योंकि हम वन साइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर रहे हैं, नीचे वाला तो बस हम एक कर्व की प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस कर्व बीम को इन आउटर पॉइंट से भी बना सकते हैं, और 75 अगेन माइनस 90 करके आप देखोगे ये वाला कर्व बन गया। बट अब ये वाले जो एडिशनल एलिमेंट्स जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं हमें, ये वाले ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ट्रिम हो जाए, या अपने आप ही हमें एग्जैक्टली इसको नोड टू नोड कनेक्ट करना पड़ेगा और मॉडलिंग करनी पड़ेगी, बट इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं इसमें, अभी हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। पहले ये वाले जो सारे बीम्स हैं, ये वाले इनर बीम्स, इनको तो हम कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका अभी हमें कुछ काम आने वाला है। अच्छा, एक और कमांड है Alt V, Alt plus V plus V, तो जब आपके मेंबर सिलेक्टेड होते हैं, मान लो ये वाले मेंबर सिलेक्टेड हैं और ये वाले ब्लैक वाले अनसिलेक्टेड हैं, तो Alt V V सिलेक्ट करके जब आप करोगे तो न्यू व्यू खुल जाएगा अपने आप ही, मतलब आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले व्यू वो सब नहीं करना पड़ेगा,
तो आज हमने दो ये वाली कमांड सीखी, एक ऑल्ट वीवी और एक ऑल्ट प्लस एस प्लस जी। इससे जो भी ग्रुप्स डिफाइन होते हैं वो खुल जाते हैं। होता कुछ नहीं है इस कमांड में, देखो अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं तो ऊपर आप देखोगे ये स्टैट की चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे मैं ऑल्ट दबा रहा हूं तो ये एफ ई ये सब हाईलाइट हो जाता है, एस जब दबाऊंगा तो एस सेलेक्ट में चले जाएगा वो, और फिर जी वाला ग्रुप नेम आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इतना इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये दो तीन फॉर्मूला शॉर्टकट की हमें पता ही हो जाती है टाइम। तो नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज मुझे ये नीचे वाले एलिमेंट्स ये ट्रिम करने हैं, और इट इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट टू सेव टाइम जो स्टैट के इनबिल्ट फीचर्स है उसको मैं थोड़ा यूज करना चाहूंगा। कर्व बीम तो हमें एक्चुअल में डिलीट नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे बीम्स पैरेलल टू वाई सिलेक्ट कर लेते हैं, जेड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए और मुझे अंदर वाले सारे हटाने हैं, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये तो हो गया डिलीट। अब एक पूरा ओवरव्यू अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दिखता है, और ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए, आउटर वाला भी, क्योंकि वो कर्व प्रोफाइल में होगा। तो लेट मी डिलीट दिस एज वेल। अरे यार कर्व भी डिलीट हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं, कर्व वाला हम फिर से मॉडल कर लेते हैं। तो यहां से यहां पे आएंगे 75 माइनस 90, कर्व वापस से आ गया, दिस इज अ गुड थिंग। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, शिफ्ट के से जो भी नोड्स आपके स्ट्रक्चर पे हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये नोड भी एडिशनल है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो बस जैसे हमने लास्ट वाले एक्सटेंड किए थे सेम अब यहाँ करना है, बट हमें अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें ये वाले बीम मेंबर्स ही एक्सटेंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ ज्योमेट्री में ही है स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर्स, और पहले हमने थ्रू अ डिस्टेंस किया था कुछ डिस्टेंस यहाँ दे के, बट हमें अब एग्जिस्टिंग मेंबर पे करना है। एग्जिस्टिंग मेंबर आपको पता है ये वाले बीम्स हैं, तो ये अपने आप आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। विद दिस आवर कर्व स्ट्रक्चर इज मॉडल्ड। ओके, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में, मतलब इवन व्हेन वी स्टार्टेड दिस कोर्स बिफोर मॉडलिंग द विलेज, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो हमने यही डिस्कस किया था कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, तो प्रोफाइल कुछ ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ पे तो कुछ प्रोफाइल ऐसे जाएगी अंदर की तरफ और बाहर वाली प्रोफाइल आउटर साइड जाएगी। अब अगर मैं ग्रुप ऑन करता हूँ, बहुत ही क्लियरली हमें सारी चीजें डिफाइन होते हुए दिखेंगी और हम सारी चीजें आराम से देख सकते हैं। अगेन ऑल्ट एस जी करता हूँ, ऑल्ट एस जी, जी वन जी टू जी थ्री सारी कर लेते हैं। सो नाउ आप ये देख सकते हो कि एक साइड पे आपका ओवरहैंग बहुत ज्यादा हो गया है और एक साइड पे बहुत कम हो गया है, जो कि होना ही था इसमें, मतलब। और इसी स्ट्रक्चर को हमें अब डिजाइन करना है। उससे पहले मैं कुछ डिस्टेंसेस बस देखना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल विड्थ क्या आ रही है। सर इसमें 10.9 आ रही है हर जगह। हेलो, हाँ बताओ सर, इसमें ये जो सपोर्ट होगा ये भी तो इंक्लाइन होगा ना सर? कौन सा सपोर्ट? सपोर्ट के साइड में ये आपका जहाँ पे डायफ्राम है, ये जो हमने स्ट्रेट मॉडल किए हैं। हाँ, ये देखो ये भी इंक्लाइंड होगा नो डाउट। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं इसको यहाँ पे एनोटेट करता हूँ। अब आप ये व्हाइट बोर्ड देखो, यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था,
ये वाली जो लाइंस है इसी की बात कर रहे हो ना आप? एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है जहां पे कर्व बहुत स्टीप होते हैं और टोटल लेंथ अप्रोचेस की कम होती है. बट अगर आप इस वाली इमेज को देखोगे, ये तो एक लाइव इमेज है, मतलब ये वही इमेज है जिसमें मैंने कैंटिलीवर वाली वीडियो शूट की थी. तो ये पूरा कर्व स्पैन है ना, इसमें सारी सपोर्ट सीधी है. तो ऐसा जनरली नहीं है कि ऐसा ही होगा. अगर ऐसा होता है जो राइट साइड में आप देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे मतलब ये वाले स्पैन तो इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो अलग टाइप के स्पैन है. बट ये वाला पूरा कर्व है और ये सारे सपोर्ट्स एक दूसरे के पैरेलल है. ये एक केस है, ये मैंने इसीलिए आप आज यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी चीज जनरलाइज नहीं है हमारे स्ट्रक्चर. इट इज ऑल बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हो ऐसे टेढ़ी आए, टेढ़ी भी आ सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि एक सीधी हो और दूसरी टेढ़ी हो, ऐसा भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि ये वाली टेढ़ी हो, ये वाली सीधी हो. अगर आप आरओबीस के आसपास कभी जाओगे ना, जहाँ पे रेल नीचे से क्रॉस होती है, तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमारे ट्रैक सेंटर से इतनी दूरी पे कुछ नहीं होना चाहिए. और अगर आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा आता हो कि एक आपको ऐसे टेढ़ा बनाना पड़ जाए, एक सीधा बनाना पड़ जाए, तो वो सारी चीजें भी होती हैं. बट जो भी आपकी प्लान चीज होगी वही आपको ग्रिलेज में मॉडल करनी है, तभी आप सही से रिजल्ट ले पाओगे. और जो मैंने आपको बहुत पहले दिन इमेज दिखाई थी उसमें ये ऐसे ये वाला सिस्टम अडॉप्टेड था क्योंकि उसमें मल्टीपल स्पैन जॉब में थे. बस इसका कहने का मतलब यही है, इसको डिस्कशन करने का मतलब कि जो भी आपकी चीज एक्चुअल में प्लान होगी एज पर योर हाईवे प्लान एंड प्रोफाइल और आपकी ड्राइंग्स तो बन रही होंगी, आपको वैसे ही मॉडल करने. लेट्स से मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर हमें इसमें मॉडल करना पड़ता तो हम क्या करते. देखो ये स्ट्रेट पोर्शन तो हमें फिर भी बनानी पड़ेगी, हमें उस टाइम कुछ नहीं करना है. ये वाले जो नोड्स हैं, मतलब अगर मैं इसके पहले थोड़ा सा रफ स्केच बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ ब्लू लाइन से बनाता हूँ. ओके, तो पहले गर्डर की लोकेशंस भी हाईलाइट कर लें. ऑल्ट एस जी, G1, G2 एंड G3, क्योंकि जहां सपोर्ट्स होंगे वही तो टेढ़ी करोगे ना, सारा स्ट्रक्चर तो टेढ़ा नहीं होगा. तो जैसे ये वाली सपोर्ट्स है, अब मैं इसको एनोटेट करता हूँ अच्छे से. तो नाउ यू सी, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये मैं बहुत ही ज्यादा बना दिया और हो सकता है यहां से ऐसा हो, तो उस केस में हमें ये वाले जो नोड्स हैं इनको यहाँ पे और बीम्स मॉडल करने पड़ेंगे. ये ऐसे ही रहेगा. एंड इन दिस केस यू विल नोटिस कि आपकी गर्डर्स की जो लेंथ है वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी. तो वो गर्डर्स की लेंथ वेरी हो जाएगी. हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे गर्डर्स की लेंथ वेरी हो, इसलिए ये जो एंगल बनाया मैंने ये जितना कम हो सके उतना हम प्रेफर करते हैं. और ऐसा नहीं है कि हाईवे वाले ने दे दिया तो बना दिया, हाईवे वाले ने दे दिया उसको हम स्ट्रक्चरली पहले अरेंज करते हैं. अगर हमें कभी लगे कि यार इसमें तो स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा या डिजाइनिंग में टाइम लगेगा, देखो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, एवरी स्ट्रक्चर कैन बी डिजाइन. तो पहले तो ये चीज हमें मन से निकाल देनी चाहिए कि ये डिजाइन नहीं हो पाएगा. डिजाइन वो हो पाता है बट उतना टाइम उसे फिर देना चाहिए और वो मिलता है नहीं. फिर हम स्ट्रक्चर्स वाले हाईवे वालों के साथ बैठते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि यार अपने प्रोफाइल में जो आपकी अलाइनमेंट आ रही है उसके कर्व को थोड़ा स्मूथ करो, एक आधा ट्रांजिशन. और ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांजिशन आया फिर सर्कुलर आया अगला ट्रांजिशन आ गया. इट मे बी द केस कि मल्टीपल ट्रांजिशन भी आते हैं जस्ट टू ईज आउट थिंग्स. तो वो फिर कलेक्टिव डिस्कशन के बाद ये वाला जो एंगल अभी मैं कोट कर रहा हूँ, ये जितना कम हो सकता है जितना कम. कभी कभी क्या होता है हाईवे वाले काम नहीं करना चाहते, कभी कभी ये होता है कि स्ट्रक्चर वाले ज्यादा डिजाइन नहीं करना चाहते. तो उस चीज में ना स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत गंदा बनता, मतलब गंदा इन द सेंस कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बनता है. और उस टाइम में फिर प्रूफ चेकिंग के भी कमेंट्स ज्यादा आते हैं, सबको समझाने बैठना पड़ता है कि ये इसलिए किया वो इसलिए किया. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हाईवे डिपार्टमेंट और जो ब्रिजेस का डिपार्टमेंट है
वो भाई आपकी सहमति से चले, जो कि नहीं होता है, क्योंकि एक ना एक का काम बढ़ जाता है कुछ भी चेंज करने से। कल को ये सारा कुछ आपने बना लिया, स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, बट किसी एक वजह से आपके एफआरएल चेंज हो गए, मान लो ऐसा होता ही होगा अंकुर, आपके पास भी, आप तो देखते ही बिल्कुल होता होंगे। है सर, बहुत ज्यादा। तो ये देखो, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, एफआरएल चेंज हो गए कि भाई ठीक है, कहीं मेरे को क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसा वैसा करके, एफआरएल चेंज होते ही आपके सारे स्ट्रक्चर हिल जाते हैं। फिर आपको एक रीचेक करना पड़ता है, क्या जो डिजाइन के सेफ है उसमें मार्जिन था, ये सब वो सब करना पड़ता है।